हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दही भिंडी मसाला, तो चलिए शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने आधा केजी भिंडी लिया है और इसे धो के सुखा के कुछ इस तरीके के साइज में काटना है। अब हम कढ़ाई चढ़ाएंगे। मसाला में हमने हल्दी, धनिया, जीरा और सब्जी मसाला लिया है और तड़के के लिए राई। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें तेल डालेंगे और सबसे पहले हम इसे हीट होने देंगे और भिंडी डालेंगे। भिंडी को हम इतना पकाएंगे कि तीन हिस्सा हमारा भिंडी पक जाए और एक हिस्सा थोड़ा सा कच्चा रहे। भिंडी को हमें जितना पकाना था उतना पक गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे और उसमें जो बची हुई तेल है उसमें सरसों का फ़ौरन डालेंगे, प्याज डालेंगे और हरी मिर्च डालेंगे। यहाँ पर हम तेज़पत्ता और नमक ऐड करेंगे। इसी समय हम अदरक और लहसुन का जो हमने कद्दूकस किया था उसी को डालेंगे। 5 मिनट प्याज भूनने के बाद इसमें हम टमाटर डालेंगे। तो हम लगभग 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। अब बारी है इसमें मसाला डालने की, तो सारे मसाले को हमने एक साथ डाल दिया है इसमें। थोड़ी सी पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से भून जाए। यहाँ पे हम थोड़ी सी पानी डालेंगे क्योंकि हमारा मसाला कढ़ाई में चिपकने लगा था। हमारा मसाला यहाँ पे भुन चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। दही ऐड करने से पहले हम अपने फ्लेम को बहुत ही ज़्यादा कम कर लेंगे क्योंकि ज़्यादा फ्लेम पे दही हमारी फट जाएगी। दही हमने लगभग 100 ग्राम के आसपास ली है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। मसाले तेल छोड़ने लगे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा मसाला भुन चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई की हुई भिंडी। भिंडी को हम ज़्यादा मिलाएंगे नहीं क्योंकि हमारी भिंडी पकी हुई है तो टूट ना जाए, इसलिए हमें ज़्यादा मिलाना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से मिलाएंगे।
थोड़ी सी हम यहाँ पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे पानी। इसके बाद 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। हम थोड़ी सी गरम मसाला का प्रयोग करेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो हमारा दही भिंडी की रेसिपी तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इससे। तो आप भी बनाएं इस रेसिपी को और अपने परिवार को खिलाएं। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।